बिहार में वही होता है जो नीतीश ने कभी सोचा नहीं होता। अचानक से एक हवा चली और एकता के चक्कर में एक इस्तीफा हो गया। विपक्षी एकता की बीन में पहला छेद हुआ और ये पहला छेद किया जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने। यहां नीतीश दर दर भटक रहे हैं, विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और उधर सेंध लग गई। महागठबंधन में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा कोटे से संतोष मांझी इकलौते थे और वो मंत्रिमंडल से ऐसे समय में बाहर हुए जब 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में बैठक होने वाली थी। ऐसे में मांझी का कैबिनेट छोड़ना नीतीश कुमार के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका ही है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद संतोष मांझी ने मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, नीतीश हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का जेडीयू में विलय कराना चाहते थे लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं था। ऐसे में पार्टी के विलय के बजाय नीतीश सरकार से अलग होने का रास्ता चुना गया। हम के प्रवक्ता यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन गरीबों के हित और सम्मान के लिए हुआ जिसका मर्जर जेडीयू में किया जाना संभव नहीं था, इसलिए सरकार से अलग होने का फैसला किया। संतोष मांझी भले ही कैबिनेट से बाहर हो गए हो लेकिन महागठबंधन से नाता नहीं तोड़ा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर सियासी तेवर दिखा दिए हैं, भविष्य को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। 10 दिन के बाद ही 23 जून को पटना में तमाम विपक्षी दलों के अध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक होने वाली थी। संतोष मांझी ने कैबिनेट से अलग होकर नीतीश कुमार के सियासी प्लान में पलीता लगा दिया। इससे बिहार सरकार पर भले ही कोई ज्यादा असर ना पड़े लेकिन महागठबंधन और विपक्षी एकता के लिए किसी बड़े झटके से ये कम नहीं है। नीतीश तो अपना ही गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं तो विपक्ष को कैसे एकजुट करेंगे। नीतीश कुमार को एक के बाद एक सियासी झटके लग रहे हैं, उनके नेता से लेकर सहयोगी दल तक दूर हो रहे हैं। आरसीपी सिंह, अजय आलोक जैसे जेडीयू के नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। एक समय में ये दोनों ही नेता नीतीश कुमार के करीबी थे। आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष तक रह चुके हैं जबकि अजय आलोक प्रवक्ता। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने भी जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। महागठबंधन में शामिल रहे जीतन राम मांझी की पार्टी भी अब दूर होती दिखाई दे रही है। संतोष मांझी का इस्तीफा इस कड़ी का हिस्सा है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अगर महागठबंधन से बाहर हो जाता है तो फिर नीतीश कुमार के लिए बिहार में दलित वोटों के छिटकने का खतरा बन सकता है। चिराग पासवान पहले से ही नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और पशुपति पारस एनडीए खेमे में हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी भी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए खेमे में जाते हैं तो फिर महागठबंधन के लिए बिहार के सियासी समीकरण और 16% दलित समुदाय को साधे रखना मुश्किल है। बसपा की सुप्रीमो मायावती पहले से ही नीतीश कुमार की विपक्षी एकता से खुद को दूर रखी हुई हैं। चिराग पासवान से लेकर पशुपति पारस, जीतन राम मांझी तक अलग होते दिख रहे हैं तो दलित वोटों को कैसे अपने पाले में मजबूती के साथ रख पाएंगे। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से बीजेपी बिहार में अपने पैर पसारने की कवायद में है। ऐसे में उसकी नजर छोटे छोटे दलों पर सबसे ज्यादा है, चाहती है कि अपने साथ मिला लें। इसी कड़ी में बीजेपी ने चिराग पासवान को लगभग अपने खेमे में मिला ही लिया है। चिराग पासवान उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं जो महागठबंधन के लिए बड़ा झटका था। इसके अलावा चिराग पासवान बीजेपी के सुर में सुर काफी समय से मिला रहे हैं जिसके चलते माना जा रहा है उनकी एनडीए में वापसी हो सकती है और चाचा पशुपति पारस पहले से ही एनडीए के साथ हैं। ऐसे में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी बीजेपी साधने में जुटी है। जीतन राम मांझी की नजदीकियां बीजेपी के साथ काफी दिनों से हैं। बीजेपी बिहार में एक बार फिर से 2014 वाला ही फॉर्मूला बनाने में जुटी है। साल 2013 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो गए जिसके बाद बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान के साथ हाथ मिलाकर 2014 के लोकसभा चुनाव में उतरी। नीतीश कुमार का पूरी तरह से सफाया कर दिया। बीजेपी ने बिहार की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़कर 20 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की जबकि उनके सहयोगी रामविलास पासवान की पार्टी 6, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 3 सीटें जीत पाई थी। इस तरह एनडीए 31 सीटें जीतने में कामयाब रही। जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली जबकि आरजेडी को 4, कांग्रेस को 2, 1 सीट एनसीपी को मिली। इस तरह विपक्षी दल 9 सीटें पा सके। हालांकि जेडीयू अलग लड़ी थी, बाकी दल यूपीए गठबंधन के तहत उतरे थे। बिहार में 2014 की तरह ही सियासी समीकरण बन रहे हैं लेकिन इस बार जेडीयू कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट एक साथ है। ऐसे में बीजेपी बिहार के जाति आधार वाले छोटे छोटे दलों को मिलाकर फॉर्मूला बना रही है ताकि 2024 में 14 वाला नतीजा दोहरा दे। बीजेपी इसमें कामयाब होती है तो नीतीश के लिए बड़ा सियासी झटका होगा।
मांझी के इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा सांसद में नीतीश कुमार फंसते दिख रहे हैं। मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की धुरी बने नीतीश की जंग शुरू होते ही झटके खा रही है। दरअसल इस बात की आशंका पहले से ही जाहिर थी कि मांझी ने 5 लोकसभा सीटों की मांग भी कर दी थी। महागठबंधन में शामिल दल अलग अलग मुद्दों पर नीतीश सरकार पर दबाव बना रहे थे। उधर नीतीश पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश में, इस बीच मांझी के मिले झटके ने नीतीश का समीकरण बिगाड़ रखा है। विपक्षी बैठक में शामिल होने से पहले ही नानुकुर कर रही कांग्रेस के भी कान खड़े हो गए होंगे। मौजूदा घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने नीतीश पर चुटकी ली। बीजेपी के नेता निखिल आनंद ने कहा, महागठबंधन की सरकार दलितों के साथ अन्याय कर रही थी, मांझी के फैसले को उसी नजरिए से देखना चाहिए। इस सरकार में दलितों को उनका हक नहीं मिल रहा। दरअसल बीजेपी नीतीश की विपक्षी एकता मिशन पर शुरू से निशाना साधती रही है। इस राज्य में ये जो घटना हुई है, इसके बाद नीतीश हो सकता है बैकफुट पर दिखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।